માં તાકાત હોય તો ભાજપનો ખેસ વગર કાર્યક્રમ કરે, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ અને ખેસની આ રાજનીતિ આંદોલનમાં. आदिवासी ना नामे जे रीते आंदोलन करे छे ए आदिवासी ने चौक्स रीते गैरमार्गे दौरे छे. अनंत कांग्रेस नो धारासभ्य छे, जो पोतानी ताकत होय अने चूंटणी लक्षी ज्यारे आंदोलन करी रह्या होय त्यारे एमणे खेस पहेरीने जे कोई जनता आवे छे एने कांग्रेसना खेस साथे आंदोलन करवा जोईए. एक बाजूथी पाणी माटे यात्रा काढवी छे, एक बाजूथी डेमनो विरोध करवो छे, हवे एणे कई दिशामां जवुं छे ए तो एणे निर्णय लेवानो छे. तो आदिवासी समाज एक मोटो समाज है, गुजरात में नंबर टू पर आदिवासी समाज आए, 40-45 सीटों पर सीधी असर आदिवासी समाज की रहे, 27 सीटों तो रिजर्व है, 27 त्यार सुधी विधानसभा में जाए. तो हवे कांग्रेस और भाजपनी आ राजनीति आदिवासी राजनीति तरफ आग रही है, ये हकीकत है. आदिवासी कोना एना पर चर्चाओ थी रही है, जे आंदोलन थी रू है. भाजप कही रू है कि कांग्रेस तो खेस पहरी ने आनंद पटेल बतावे, सामे आनंद पटेले कहूं छे के नरेश पटेल पण जो सभा करता होय तो भाजपनो खेस पहेरीने बतावे, पहेर्या वगर बतावे, आ प्रकारनी बात करवामां आवी रही छे. विधानसभा चूंटणी नजीक आवी रही छे, जे आंदोलन जे भाजप तरफथी जे आंदोलन थई हतुं एने सामे आक्षेप प्रति आक्षेप थई रह्या छे. आनंद पटेल अमारी साथे जोड्या छे. आनंदभाई शुं छे मामलो, शा माटे आनंद पटेल ना आंदोलन सामे भाजप जे रीते बात कहे भाई खेस पहेरे, पहला तो कांग्रेस नो खेस पहेर्या वगर तमे आंदोलन करी रह्या छो, जो खेस पहेरी जाओ तो तमने पण लोकोनो समर्थन न मळे ए प्रकारनी बात भाजप कही रह्यु छे. आनंदभाई, जनकभाई वात एवी छे के खेस नो राजकारण होय के राजकीय पक्षो नो राजकारण होय, पण हुं तो एक आदिवासी समाज नो आगेवान छु, बिलकुल મારે ખેસ સાથે રાજકીય પક્ષ સાથે પછી લેવા દેવા છે. એટલે તો મારે કોઈ પણ હિસાબે સમાજના આગેવાન તરીકે કામ કરવું છે, પરંતુ કેમ ભાજપી આગેવાનોને મારા ખેસ પહેરવા સાથે કે ના પહેરવા સાથે શું સંબંધ છે એનો પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ થોડા દિવસો પછી પ્રધાનમંત્રી મારા વિસ્તારમાં આવે છે, એના કારણે ખેસ વાળા ભાજકીય ભાજપીય અને આદિજાતિ મંત્રી ને કઈક રીતે મુશ્કેલી સર્જાય એવું લાગે છે. બિલકુલ બિલકુલ, આભાર આનંદભાઈ. મુશ્કેલી શું છે આવનારો સમય બતાવશે, પણ ખેસની આ રાજનીતિ થઈ રહી છે એ હકીકત છે.